सतना जिले में लाडली बहनें सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि लाडली बहनों ने आरआई और पटवारी के खिलाफ तहसील में धरना दिया है और मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाडली बहनें तहसील में धरना देने को मजबूर हो गई। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मझगवा तहसील के वृत्त चित्रकूट तहसील में राजस्व निरीक्षण प्रबुद्ध शुक्ला व पटवारी अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ सरकार की लाडली बहनों ने बुधवार को जमकर नारेबाजी की और राजस्व विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राजस्व अमले से परेशान लाडली बहनों ने मझगवा एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार चित्रकूट हिमांशु शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। लाडली बहनों ने चित्रकूट में पदस्थ आरआई प्रबुद्ध शुक्ला और पटवारी अखिलेश त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोनों को चित्रकूट से तत्काल हटाए जाने और सस्पेंड करने की मांग की है। बताया गया है कि पीड़ित महिलाएं बीते कई वर्षों से अपनी निजी आराजी क्रमांक 45/3 के अंश भाग पर क्रमशः आराजी के सीमांकन और सीमा चिन्ह लगवाए जाने को लेकर आरआई और पटवारी तथा तहसील के चक्कर लगा रही थी, जिसको लेकर बीते दिनों सतना कलेक्टर मझगवा एसडीएम नायब तहसीलदार चित्रकूट सहित थाना चित्रकूट में आवेदन भी दिया गया था। उन्होंने मांग उठाई कि 15 दिनों के अंदर यदि उनकी आराजी का सीमांकन कर सीमा चिन्ह नहीं गड़वाए गए तो वे चित्रकूट तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगी। आरोप है कि मनमानी पर उतारू राजस्व अमले ने पीड़ित महिलाओं के निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि मौके पर गए आरआई और पटवारी ने पीड़ित महिलाओं को गुमराह किया। जहां उनकी जमीन स्थित है वहां की बजाय दूसरे की आराजी में उनकी जमीन बताने लगे। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनकी आराजी का जहां एक बार पहले सीमांकन हुआ था उसमें आरआई और पटवारी ने एक भूमिया का नक्शा तरमीम कर दिया है। इसी को लेकर आरआई प्रबुद्ध शुक्ला महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। आरोप है कि चित्रकूट तहसील में पदस्थ आरआई और पटवारी मनमानी पर उतारू है, गरीबों की जमीनों में हेराफेरी कर भूमि माफियाओं से मिलीभगत करके कब्जा करवाते हैं। इसी कारण चित्रकूट के हलका में जमीनों को लेकर हमेशा से विवाद की स्थिति निर्मित होती चली आई है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि यदि एक सप्ताह के अंदर उनकी जमीनों का विधिवत सीमांकन कर सीमा चिन्ह नहीं गड़वाए गए तो वे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। हमारे जमीन है वहाँ पे नहीं दे रहे, दूसरी जगह दे रहे हैं। हमको दूसरी जगह नहीं लेना, वही लेना जहाँ पे हमारे नहीं देंगे तो क्या करेंगे अब एक हफ्ते के अंदर? हम इस जगह से बैठ जाएंगे। एक हफ्ते का टाइम हमें तहसीलदार जी ने हमको दिया है और एक हफ्ते बाद हम इसी जगह पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि 13-15 साल हो रहे हैं हम लोग परेशान हो रहे हैं और हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है। आप एक हफ्ते जमीन दूसरी जगह ना आपत्ति का है, दूसरी जगह ना आपत्ति।